आज अपने पढ़ेंगे 76 से 82 प्राणवायु। सबसे पहले प्राणवायु के बारे में चरक कुछ भागवत सारंदा ने क्या क्या कहा। चरक ने क्या बोला, मूर्धा शेर कान जीवा नासिका। तो यहाँ पे प्राणवायु होती है, मूर्धा शेर कान जीवा नासिका में छबतु उद्गार श्वसन एवं आहार को निकलना, ये इसके कर्म है। क्या क्या कर्म है सब प्राणवायु के चरक के पड़े, छबतु उद्गार श्वसन एवं आहार को निकलना। सुश्रुत ने मुख संचारी बोला इसको, और प्राणों का अवलंबन आहार निगरण कर्म है इसका। मुख संचारी में प्राणवायु होती है और प्राणों का अवलंबन आहार निगरण इसका काम। भागवत ने क्या बोला है, कहाँ पर स्थित है, मूर्धा में स्थित है, उरा व कंठ में विचरण करती है। काम क्या क्या है इसके, स्थीवन सवतु व निश्वास का। बात आती शारंगर की, शारंगर ने क्या बोला, प्राणवायु हृदय में स्थित है। बात आती फिर उदान वायु की, और उदान वायु के लिए चरक ने क्या बोला, नाभि व कंठ में स्थिति है इसकी, और काम क्या है इसका, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न और व बलवर्ण आदि का संपादन। सुश्रुत ने क्या बोला, ऊपर की ओर गमन करने वाला। उदान वायु को सुश्रुत ने बोला ऊपर की ओर गमन करने वाला। काम क्या क्या इसके, भाषण गान आदि क्रिया। भागवत ने उर में स्थान नाभि, इसका जो उदान का जो स्थान बताया भागवत ने, उर में स्थान नाभि नासा व कंठ में गमन, ठीक है। और काम क्या क्या बताएं, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ओजो बलवर्ण कर। बात आती है व्यानवायु की, व्यानवायु के लिए चरक ने क्या बोला, संपूर्ण शरीर व्यापी, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और क्या क्या काम करती है, गति प्रसारण आक्षेप आदि कर। फिर बात आती है सुश्रुत की, इसने व्यानवायु के लिए क्या कहा, सर्व शरीर व्यापी, ठीक है। और स्वेद व रक्त का श्रवण एवं रस संवहन, इसने इसका काम बोला, स्वेद व रक्त का श्रवण एवं रस संवहन। भागवत ने क्या बोला, व्यानवायु की हृदय में स्थिति है, और काम क्या है, संपूर्ण शरीर में चर गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिया, ठीक। फिर बात आती है समान वायु की, समान वायु के लिए चरक ने क्या बोला, स्वेद अम्बु व दोष व स्रोतस में आश्रित व अंतराग्नि के पास में स्थिति, ठीक है। फिर सुश्रुत की बात आती है, सुश्रुत के लिए सुश्रुत ने क्या बोला, आमाशय व पकवाशय में संचरण करती है समान वायु, और अन्न पाचन व मल का पृथक्करण करती है, ठीक है। फिर भागवत ने क्या बोला, ये पाचक अग्नि के समीप स्थित है, स्थिति है समान वायु की। बात आती है अपान वायु की, अपान वायु के लिए चरक ने क्या बोला कि वृषण वस्ती मूत्रेंद्र नाभि उरु वंचण व गुदा में स्थिति है इसकी, और इसके जो कार्य वीर मूत्र पूरी सार्थक व गर्भ का धारण व निष्कासन। सुश्रुत ने अपान वायु के लिए क्या बोला, पक्वाधान में स्थिति बोली है। भागवत ने श्रोणी वस्ती मेढ्र में स्थिति बोली है अपान वायु। नेक्स्ट है पित्त, रंजक पित्त। सबसे पहले सुश्रुत ने यकृत लिया में स्थिति बताई है, भागवत ने अमाशय बताई। फिर बात आती है साधक पित्त की, सुश्रुत ने हृदय में बताइए, और फिर प्रार्थित मनोरथ की प्राप्ति, प्रार्थित मनोरथ की प्राप्ति बोला। भागवत ने हृदय में स्थिति बताई, बुद्धि मेधा और अभिमान का कारण बोला इसको। बात आती है फिर आलोचक पित्त की, आलोचक पित्त के लिए सुश्रुत ने नेत्र में बोला आलोचक, ठीक है। और क्या बोला, रूप ग्रहण में काम होता है। भागवत ने भी बोला कि नेत्र में होता है, रूप ग्रहण में काम होता है। फिर बात आती है भेल, भेल के चक्षुवैशेषिक, चक्षु में भेल ने आलोचक वित्त के भेद कर दिए, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, चक्षु वैशेषिक चक्षु में, बुद्धि वैशेषिक शिंगाटक और मस्तिष्क। फिर बात आती है भ्राजक वित्त की, भ्राजक वित्त के लिए सुश्रुत ने बोला त्वचा में होती है। काम क्या होता है, छाया प्रवाह का कारण, अभ्यंग परिषेक के स्नेह का पाचन, ठीक है। भागवत ने क्या बोला, त्वचा में। फिर बात आती है पाचक वित्त की, सुश्रुत ने बोला है पक्वामाशय मध्यम, पक्वा और अमाशय के मध्य में रहती। भागवत ने बोला पक्वामाशय मध्यम, पक्व और अमाशय के मध्य में रहती है, ठीक है। फिर कफ की बात आती है, क्लेदक अवलंबक बोधक तर्पक श्लेषक पांचवा कफ। क्लेदक कफ के लिए भागवत ने क्या बोला, अमाशय में रहता है, अन्न संघात व क्लेदन करता है। अवलंबक कफ भागवत ने क्या बोला, उर प्रदेश में रहकर त्रिक को बल देता है। बोधक कफ भागवत ने क्या बोला, जीवा में रस बोधन करता है। तर्पक कफ भागवत ने क्या बोला, शिरस्थ ज्ञानेन्द्रिय तर्पण करता है। श्लेषक कफ भागवत ने बोला, संधियों में स्थित और संधि संश्लेषण करता है। प्रथमतः चरक ने वात के, सुश्रुत ने पित्त के, भागवत ने कफ के पांच पांच भेदों का नामता वर्णन किया, ठीक है। फिर वात का विशेषता, वात का विशेषता, चरक ने पक्वाशय बोला, सुश्रुत ने सोणी मगुद बोला, भागवत ने पक्वाधान बोला, काश्यप ने अस्थि मज्जा बोला। फिर बात आती है पित्त का विशेषता, पित्त का विशेषता, चरक ने अमाशय बोला, सुश्रुत ने पक्वामाशय मध्य बोला, भागवत ने नाभि बोला, काश्यप ने अमाशय बोला। कफ का विशेषता, कफ का विशेषता, चरक ने उर बोला, सुश्रुत ने अमाशय बोला, भागवत ने उर, काश्यप ने हृदय बोला। नेक्स्ट नाम रूप उपक्रम, चरक सुश्रुत भागवत वर्णन।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग उपक्रम लंगन, लंगन चरक ने 10 बोले, सुश्रुत ने नहीं बोला, भागवत और अन्य ने 12, भागवत ने 12 बोले, हरित ने 6 बोले लंगन। विपाक, चरक ने 3 बोले, सुश्रुत ने 2 बोले, भागवत ने 3 बोले, पराशर ने 3 बोले। द्रव्य का वर्गीकरण, आहार द्रव्य चरक के अकॉर्डिंग 12 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग द्रव द्रव्य 10 है, अन्य द्रव्य 13 है, भागवत दूसरे के अकॉर्डिंग द्रव 6 है, अन्य 6 है। स्वेदन, चरक के अकॉर्डिंग साग्नि और निराग्नि, साग्नि 13 है, निराग्नि 10 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्वेदन साग्नि 4 है, निराग्नि 7 है, भागवत अन्य के अकॉर्डिंग स्वेदन काश्यप के अकॉर्डिंग 8 है। आमवाद की बात, आमवाद चरक ने कुछ नहीं बोला, ग ठीक है, और आमवाद के लिए माधव ने बोला, 2 या 3 हो सकते हैं, शारंगर ने 4 बोले। मधु के वेद, चरक ने 4 बोले, सुश्रुत ने 8 बोले, भागवत अन्य ने 4 बोले, मतलब चरक और भागवत अन्य 4 4, सुश्रुत ने 8 बोले। शूक रोग, शूक रोग चरक ने नहीं बोले हैं, सुश्रुत ने 18 बताए, माधव ने 18 और शारंगर ने 24 बोले। आवरण, आवरण चरक ने 42 बोले हैं, सुश्रुत ने 13 और भागवत अन्य ने 22 बोले, मतलब सबसे ज़्यादा आवरण चरक ने बताया। अग्निकर्म, अग्निकर्म चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 4 बताया अग्निकर्म, भागवत अन्य ने 7 बता दिए। व्रणशोध, व्रणशोध चरक ने बिल्कुल नहीं बताया, सुश्रुत ने 3 और अवस्था अनुसार 6 बताया, ठीक है, भागवत और अन्य ने 9 बताया व्रणशोध। पुरुष की लंबाई, पुरुष की लंबाई चरक ने 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल और भागवत और अन्य ने भी 84 अंगुल बोले, ठीक है, मतलब चरक और भागवत ने 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल। रस से शुक्र बनने में लगा समय, चरक ने 6 दिन बोला है, सुश्रुत ने 30 दिन और भागवत ने 1 दिन, चरक 6, सुश्रुत ने ज़्यादा 3 लिए 30 दिन, ठीक है, भागवत ने 1 दिन में करा दिया, चरक ने 6 दिन में करा। सर्वसर मुख रोग, चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 3 बताया, महाप्रकाश ने 5 और शारंगर ने 8 बताया, सुश्रुत ने 3, महाप्रकाश 5, शारंगर ने 8। त्वचा, त्वचा के जो रोग हैं चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने 7, भागवत ने 7 और काश्यप ने 6, 6 7 7, काश्यप ने 6। सूती का काल, चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 1 मास बोला, काश्यप ने 6 और महाप्रकाश ने 4 बोले। प्रमेय पीड़िका, चरक ने 7 बोली है, सुश्रुत ने 10 बोली है, भागवत ने 7, काश्यप ने 8, भोज ने 9, शारंगर ने 10, माधव ने 10। शस्त्रकर्म, शस्त्रकर्म जो है 6 8, शस्त्रकर्म चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 8 बताए हैं, भागवत ने 13 बोले। सर्प के वेद, चरक के 3 हैं, सुश्रुत के 5 हैं, भागवत के 5 हैं। स्थावर विष, स्थावर विष चरक के अकॉर्डिंग 21 है, सुश्रुत के अधिष्ठान के 10 हैं, प्रकाश के 55 हैं, भागवत और अन्य ने भी स्थावर विष 55 बताए। औषध सेवन का, औषध सेवन का चरक ने 10 बताए, सुश्रुत ने भी 10 बताए, 11 बताए भागवत ने, शारंगधर ने 5 बताए, काश्यप ने 10 बताए। व्रण चिकित्सा उपक्रम, व्रण चिकित्सा उपक्रम चरक ने 36 बताए, सुश्रुत ने 60 बताए। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार चरक ने नहीं बोला, सुश्रुत ने 6 मास में बोला, काश्यप ने 10 मास में बोला। क्रियाकाल, क्रियाकाल चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 6 बताए। शोष, चरक और सुश्रुत ने 4 4, भागवत ने भी 4, माधव ने 7 और शारंगधर ने भी 7 बताए। अर्बुद, अर्बुद चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 6 बताए, माधव शारंगधर ने भी 6 ही बताए। विषम ज्वर, चरक सुश्रुत ने 5, भागवत ने 5, काश्यप ने 7 बताए। गलगन, चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 3 बताया, माधव ने 3 बताया। निद्रा के वेद, चरक ने 3, चरक ने 6, चरक ने 6 बताई निद्रा, 6 तरह की, सुश्रुत ने 3 तरह की, भागवत ने 7 तरह की, शारंगधर ने 1। या फिर आता है उन्माद, उन्माद चरक ने 5 तरीके का बताया, सुश्रुत ने 6 बताया, माधव ने भी 6 बताया, माधव और शारंगधर ने भी 6 बताया, ठीक है। सोमरोग, चरक ने सुचरक ने वर्णन नहीं किया, शारंगधर ने 1 सोमरोग बताया। संप्राप्ति के वेद, चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने कोई नहीं बताया, भागवत और माधव ने 5 5 बताए संप्राप्ति के लिए। गृहिणी दोष, गृहिणी दोष जो चरक ने बोली वो 4 है गृहिणी, लेकिन जो रोग हैं गृहिणी रोग चरक ने 3 बताए और दोष 4 बताए, ठीक है, गृहिणी दोष सुश्रुत और माधव ने 4 4 बताए। नाड़ी व्रण, नाड़ी व्रण के बारे में चरक ने नहीं बोला है, सुश्रुत ने 5 या 8 बोले हैं, भाव प्रकाश माधव शारंगधर ने 5 बोले हैं। अश्मरी, चरक ने 1 बताया और सुश्रुत माधव और शारंगधर ने 4 4 बताए। वातरक, दोष अनुसार
वातरक दोष अनुसार चरक ने 8 और 2 बोले, दोष अनुसार वातरक सुश्रुत ने 4 और 1 बोला और वाग्भट ने 2 बोले, शारंगधर ने 8 बोले। शूल, चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 4 बताया, माधव ने 8 बताया, हारित ने 10 बताया, 6। चरक ने 18 बताए, सुश्रुत ने 2 बताए, शारंगधर ने 5 और हारित ने 10 बताए। और वमन विरेचन, वमन विरेचन चरक ने 10 बताए, वमन विरेचन व्यापद, ठीक है, वमन विरेचन के व्यापद चरक ने 10, सुश्रुत ने 15 और वाग्भट ने 12 बताए। निरू के व्यापद चरक ने 6, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 6। बस्ती व्यापद, अनुवासन बस्ती के व्यापद चरक ने 12 बताए, 9 बताए, कुल 76 बताए, ठीक है, बस्ती व्यापद सुश्रुत ने 9 बताए, कुल 76 और वाग्भट ने 12 बताए। सद्यो या आगंतुक ध्रुवण, सद्यो या आगंतुक ध्रुवण चरक ने नहीं बताए, सुश्रुत ने 6 बताए, अष्टांग हृदय ने 8, अष्टांग संग्रह ने 3, माधव ने 6, शारंगधर ने 8। स्तन रोग, चरक ने नहीं बताए, सुश्रुत ने 5 और 8 बताए, माधव ने 5 बताए। भग्न, चरक ने नहीं बताए, सुश्रुत ने 2, संधि भग्न 6 बताए, कांड भग्न 12 बताए, शारंगधर ने 9 बताए। उदावर, उदावर चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने 9 और 13 बताया। भेल ने 4 बताया, माधव ने 13 बताया, वाग्भट ने 14 बताया। सन्निपात ज्वर, चरक ने 13 बताया, सुश्रुत ने 1, माधव ने 1। परिणाम शूल, चरक सुश्रुत ने नहीं बताया, माधव ने 1 बताया। विद्रधि, अभ्यंतर जो है वो 9 तरीके की है और सुश्रुत वाली बाह्य 6 है, अभ्यंतर 10 है। आर्तव दोष, चरक सुश्रुत और शारंगधर ने 8-8 बताए। बाल ग्रह, चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 9 बताया, वाग्भट ने 12, योग रत्नाकर ने और हारित ने 8 बताया। श्वेत या किल्लास, सबने चरक सुश्रुत वाग्भट ने 3-3-3 बताया। रोहिणी ने कुछ नहीं बताया और रोहिणी के बारे में चरक ने कुछ नहीं बताया, सुश्रुत ने 5 बताई, भोज ने 2 बताए, माधव ने 3 बताए। लीहा रोग, खाली चरक ने बताया 5, रुद्रजी खाली चरक ने बताया 2। विष के वेग, चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए। तृष्णा, तृष्णा चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए, वाग्भट ने 7 बताए, माधव ने 7 बताए, शारंगधर ने 6 बताए। छर्दी, चरक ने सुश्रुत ने माधव ने 5-5 बताए, शारंगधर ने 7 बताए। मूर्छा, चरक ने 4, सुश्रुत ने 6, शारंगधर ने 4, माधव ने 6। स्तनपान का निर्देश, जन्म के प्रथम दिन से, फिर सुश्रुत ने 4th दिन से बोला, फिर वाग्भट ने भी 4th दिन से बोला। तंत्र युक्ति, चरक ने 36, सुश्रुत ने 32, वाग्भट ने 36, चक्रदत्त ने 40, ठीक है, तंत्र युक्ति चरक और वाग्भट के 36, सुश्रुत के 32, चक्रदत्त के 40। अजीर्ण, चरक ने 0 बोला, सुश्रुत ने 4 बोला, शारंगधर और काश्यप ने 3 बोला, माधव ने 6 बोला। अरोचक, चरक ने 5, सुश्रुत ने 5, माधव ने 5, चरक सुश्रुत माधव सबने 5-5। अर्श, चरक ने 2 और 8 बोला, ठीक है, सुश्रुत ने भी 2 और 6 बोला, भागवत ने 2 बोल दिया, माधव ने 6 बोल दिया। अतिसार, चरक सुश्रुत ने 6-6 बोला, माधव ने 6 बोला, शारंगधर ने 7 बोला। हिक्का, चरक सुश्रुत माधव शारंगधर सबने 5-5 बोला। अम्लपित, चरक सुश्रुत ने नहीं बताया, माधव ने 2 और 3 बताए, शारंगधर ने 3 बताए। स्वर के भेद, चरक सुश्रुत वाग्भट ने 6-6 बताए, शारंगधर महाप्रकाश शारंगधर माधव ने 6 बताए, काश्यप ने 8 बताए। श्वास रोग, चरक सुश्रुत और माधव ने 5-5-5 बताए। तमक श्वास, चरक ने 2, सुश्रुत ने 1, वाग्भट ने 1 बोला। खास रोग, चरक सुश्रुत शारंगधर 5-5 बताए, हारित ने 8 बताए। हृदय रोग, चरक ने 5, सुश्रुत ने 4, माधव ने 5। मद की अवस्थाएं, चरक सुश्रुत वाग्भट 3-3-3, माधव ने 4 बताए। मदात्य, चरक सुश्रुत ने 4-4, शारंगधर ने 7, वाग्भट ने 7 और शारंगधर ने 7। पांडु, चरक ने 5, सुश्रुत ने 4, वाग्भट ने 5, हारित ने 8, माधव ने 5, शारंगधर ने 5। कुष्ठ, चरक ने 7 और 18 बताए और असंख्य भी बताए, सुश्रुत ने 7 और 11, टोटल 18 बताए, वाग्भट ने 18 बताए, माधव ने 18 बताया। कामला, चरक और सुश्रुत ने 2-2 बताई हैं, शारंगधर ने 1 बताया। विसर्ग, स्थान भेद से चरक ने 3 बताए, दोष अनुसार 7 बताए, फिर 5 बताए सुश्रुत ने, माधव ने 7 बताया, शारंगधर ने 9 बताया, वाग्भट ने 8 बताया, ठीक है। मूत्रकृच, चरक सुश्रुत और माधव ने 8-8 बताई,
और बागवत ने 4 बताए, मूत्राघात चरक ने 13 और 8 बताया, सुश्रुत ने 12 बताया और बागवत ने 20 बताया, माधव ने 13 बताया। ठीक है, भगंदर चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 5, बागवत ने 8, सारंगधर ने 8। प्रतिशय चरक ने 4, सुश्रुत 5, रस रसन समुच्चय 6। शिरोरोग चरक ने 5, सुश्रुत ने 11, बागवत ने 10, सारंगधर ने 10, माधव ने 11। गुल सूत्र स्थान में 5 है, चिकित्सा स्थान में 8 है, तो सुश्रुत ने 5 बताया, माधव ने 5 बताया, सारंगधर ने 8 बताया। गुल की बात हुई, रक्तपित्त दोष भेद से 3 होते हैं चरक के अकॉर्डिंग, मार्ग भेद से 2। ठीक, रक्तपित्त चरक ने दोष भेद से 3 बताया, मार्ग भेद से 2 बताया। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोष भेद से 4 और 7 रक्तपित्त, मार्ग भेद से 2। फिर माधव ने मार्ग भेद से 3 बताए और भेल ने 2, सारंगधर ने 3। वृद्धि रोग रग्न चरक ने 3 बताया, सुश्रुत ने 7, भागवत ने 7, माधव ने 7। श्लीपद श्लीपद का चरक ने वर्णन है 3, सुश्रुत ने बताया, माधव ने 3 बताया। शोध शोध चरक ने 2, 3, 7 और 4 के बताए, 2 ही बताया, 3 बताया, 7 भी बताया, 4 भी बताया, और सुश्रुत ने 6 बताया, 6 शोध, और फिर भागवत ने 9 बताया, माधव ने भी 9 बताया। प्रमेय प्रमेय जो है प्रमेय जो है 2 भी बताएं और 20 भी बताएं चरक ने, सुश्रुत ने भी 2 भी बताया और 20 भी बताएं, भागवत ने भी 2 और 20 भी बताएं। ठीक, नेत्रो 4 और 96 बताएं चरक ने, फिर 76 बताएं सुश्रुत ने, भागवत ने भी 94 बताएं, महाप्रकाश ने 78 बताएं, शारंगर ने 94 बताएं, कराल ने 96, योग रत्नाकर ने 76। नासारोग चरक ने 10 का वर्णन है, चरक का 10 का वर्णन है, ठीक है, संख्या निश्चित नहीं है, और सुश्रुत ने 31 बताए, भागवत ने 18, शारंगधर ने 18, महाप्रकाश योग रत्नाकर ने 34। शिरोरोग चरक ने 5 बताए, सुश्रुत ने 11, भागवत ने 10, माधव विदे महाप्रकाश योग रत्नाकर शारंगधर ने 10 बताए। मुख रोग चरक ने 4 और 64 बताए, सुश्रुत ने 65, भागवत ने 75, शारंगधर ने 74, महाप्रकाश ने 67, भूल ने 65 बताए। कर्ण रोग चरक ने 4, सुश्रुत ने 28 और भागवत ने 25, महाप्रकाश योग रत्नाकर ने 28, शारंगधर ने 18। धूम्रपान चरक के 3, सुश्रुत के 5, शारंगधर के 6। क्षुद्र रोग चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 44, भागवत ने 36, माधव के 43, शारंगधर के 4, ब्रह्मदेव के 48। हर्ष चरक के 2 और 8 है, सुश्रुत के 2 और 6 है, भागवत के 2 है। ग्रंथि चरक की 6 है, सुश्रुत की 5 है, भागवत की 9 है, शारंगधर की 2, माधव की 5 है। शस्त्र चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 20 और भागवत ने 26 बताया। यंत्र चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 101 और भागवत ने 116 बताया। अनुशस्त्र चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 14 और भागवत ने 17 बताया। नाड़ी यंत्र चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने मूल नाड़ी यंत्र 12 बताया, टोटल 20 बताया नाड़ी यंत्र, ठीक है, और फिर भागवत ने 23 व 26 बताया नाड़ी यंत्र। शोध के उपद्रव चरक ने 7 बताया, सुश्रुत ने 9 बताया। कर्णपालिगत रोग चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 5, भागवत ने 7 बताया। उपयंत्र भागवत ने अनुयंत्र बोला है, चरक ने नहीं बोला, सुश्रुत ने 25 बताए, 19 भागवत ने बताया, भोज ने 9 बताया। नपुंसक चरक ने चार, सुश्रुत ने 5 और भागवत ने 8। गण चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 37 और भागवत ने 25। महाकसा चरक ने 50 बताए, भागवत ने 45 बताए, सुश्रुत ने ही बताए हैं, ठीक है। विपाक चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 2 बताए, भागवत ने 3 बताए। वीर 2 और 8 बताए चरक ने, सुश्रुत ने 2 और 8 बताए, भागवत ने 2 और 8 बताए, निमि ने 15 बता दी। यंत्र के दोष चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 12, भागवत ने 8 बताए। अग्रह द्रव्य 152 बताए चरक ने, सुश्रुत ने नहीं बताया, भागवत ने 155 बताया। माँ कषाय का वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया, ठीक है, माँ कषाय चरक और भागवत ने बताया, चरक ने 50, 45, उसने तुम्हारे भागवत। अग्रह द्रव्य भी सुश्रुत ने नहीं बताया, खाली भागवत और चरक ने बताया। अग्रह भागवत के कम है 152, भागवत मतलब चरक के कम है 152, भागवत के 155। प्रायोगिक धूमपान के काल चरक के अकॉर्डिंग 8, चरक और भागवत के अकॉर्डिंग 8, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12। निद्रा के वेग चरक ने 6,
सुश्रुत ने तीन और वाग्भट ने सात बताया। औसत कल्पनाएं चरक के अकॉर्डिंग 5 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 है, काश्यप के अकॉर्डिंग 7। आहार के भेद चरक ने 4 बताए, सुश्रुत ने नहीं बताया। भाव प्रकाश हरंगर ने 6 बताए आहार के भेद। ठीक है, कुछ ही के बाद चरक ने 3 करे, सुश्रुत ने नहीं किया, वाग्भट ने 4, काश्यप ने 4। अर्थव काल 5 रात्रि का चरक का है, 3 दिन का सुश्रुत का है, 3 दिन का वाग्भट का, हारित का 7 दिन का। शरीर वृद्धि कर भाव चरक ने 4 बताया, सुश्रुत ने नहीं बताया, वाग्भट ने 17 बताया। कोष्ठा चरक ने 15, सुश्रुत ने 8, वाग्भट ने 8, काश्यप ने 13। विष के गुण चरक सुश्रुत 10 और वाग्भट के 11। व्रण बंधन के वेद 2 चरक के, सुश्रुत के 14, वाग्भट के 15। ऋतु काल 12 दिन के चरक सुश्रुत वाग्भट के अकॉर्डिंग, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 16 दिन के, काश्यप के अकॉर्डिंग 12 दिन। रजोदर्शन आयु चरक ने नहीं बोली, सुश्रुत ने 12 वर्ष, काश्यप ने 16 वर्ष और भाव प्रकाश ने 12 वर्ष। अस्थि संख्या चरक के 360, सुश्रुत की 300, काश्यप की 360, भेद की 300, आधुनिक 206। संधि संख्या चरक की 200, सुश्रुत की 210। स्नायु संख्या चरक की 900, सुश्रुत की भी 900। पेशी संख्या चरक की 400, सुश्रुत की 500 पुरुष में और 500 भी स्त्री में, आधुनिक के अकॉर्डिंग 519। गर्भस्राव की संख्या चरक ने नहीं बताई, 4 मास तक सुश्रुत ने बताई, 3 मास जो है वो आपका वाग्भट ने बोला, भोज ने 3 मास तक बोला। नेत्रमंडल चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 4 बोला। दौहृद अवस्था तृतीय मास में चतुर्थ सुचरक ने बोला, चतुर्थ मास में सुश्रुत ने बोला, 3 पक्ष से 5 मास तक वाग्भट ने बोला, काश्यप ने तृतीय मास बोला। अन्नप्राशन संस्कार चरक सुश्रुत ने नहीं बोला, सुश्रुत वाग्भट ने 6 मास बोला, काश्यप ने 10वां मास बोला। उपवेशन संस्कार चरक सुश्रुत ने नहीं बोला, 5वां महीना वाग्भट ने बोला, काश्यप ने 6वां मास बोला। नाभिनाल कर्तन धन्य व्याध किया चरक ने 4 बोली, सुश्रुत ने नहीं बोली, वाग्भट ने 2, चक्रदत्त ने 6 बोली। वाग्भट ने 4 प्रकार के मूत्र के, 4 प्रकार की अश्मरी और 12 प्रकार के बस्ती दो मूत्राघात के सम्मिलित मानकर 20 प्रकार के मूत्राघात बताते हैं। ठीक है, वाग्भट मूत्र के 4, अश्मरी 4, 12 प्रकार के बस्ती दो मतलब मूत्राघात न करके 20 प्रकार के मूत्राघात बताते हैं।